नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद मध्य प्रदेश के बजट को लगातार हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनकी सरकार का, चूंकि ये पहला बजट है और वित्त विभाग संभाल रहे डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उन्होंने सदन में बजट प्रस्तुत किया। हालांकि जगदीश देवड़ा के लिए नई बात नहीं, क्योंकि पिछली सरकार में भी बतौर वित्त मंत्री वो बजट पेश कर चुके हैं। इन सब के बीच नर्सिंग घोटाले को लेकर खूब हल्ला हंगामा होता रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,32,465 रुपए अनुमानित है और पिछले साल के मुकाबले उसमें इजाफा हुआ है। साल 2003-04 के मुकाबले 11 गुना है, ये उन्होंने गिनाया। और लगातार दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बजट को लेकर हम उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब कांग्रेस की तरफ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा साहब का बहुत स्वागत। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिसोदिया साहब का भी बहुत स्वागत। और बतौर विपक्ष जितेंद्र मिश्रा साहब, आपका रिएक्शन, मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, उन्होंने ये बात कही है कि विपक्ष को क्या बजट समझ नहीं आया है या हम तो रोडमैप को लेकर चल रहे हैं। मिश्रा साहब देखिए, अभी वित्त मंत्री जी ने खुद कहा कि बजट तो मात्र आंकड़ों का खेल होता है। मैं सुन रहा था उनको और मैं भी ये कह रहा हूं कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया। आके 18 सालों से आप सरकार में बैठे हैं, राम वन गमन पथ की बात आप कब से कर रहे हैं? हर बजट में राम वन गमन पथ का जिक्र होता है, लेकिन एक रुपया राम वन गमन पथ के नाम पर नहीं दिया गया। हमारी सरकार आई, हमने राम वन गमन पथ के नाम पर बजट का एलोकेशन किया और राम वन गमन पथ के लिए रास्ता सुनिश्चित किया। गौशालाओं की बात की जाती है, एक रुपया एक गौशाला का निर्माण 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। हमने 1,000 गौशालों का निर्माण अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, ठीक है अभी तो गौशाला के लिए, लेकिन बजट बढ़ा है ना मिश्रा साहब? हर साल सुनते हैं हम कि गौशाला के लिए बजट आएगा, लेकिन उसका निर्माण क्यों नहीं होता? अब उसका बजट जाता कहां है? असल में मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की सरकार, यह चश्मा हो चुका है। उसके उदाहरण आपके सामने, अभी देखा आपने पहली बारिश में डिंडोरी की 500 करोड़ की सड़क बह गई, पिछली पहली बारिश में 500 करोड़ का कारम डैम बह गया, 539 करोड़ रुपए की मंडीदीप की हाईवे बह गई। ये पैसा इसमें खर्च हो रहा है। आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं? किसान कर्ज माफी की दिशा में राह तक रहा है। अभी तक पिछली सरकार, हमारी सरकार ने जो कर्ज माफी की थी उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाना था ताकि किसान आत्मनिर्भर हो। एमएसपी के लिए बात की जाना चाहिए थी, 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान की आपने बात की है उस किसान से, उसकी लागत से दोगुना मुनाफा करने का वादा 2014 से आप करते आ रहे हैं, लेकिन कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है जी। आज किसान यूरिया को परेशान है, यूरिया की उपलब्धता के लिए आपने कौन सी व्यवस्था की है इसको समझना पड़ेगा। 22 लाख पद मध्य प्रदेश में खाली है, उन नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में क्या प्रोग्राम है आपका, वो समझने आना चाहिए। इस पर तो बात हो नहीं रही है लगातार बजट। आप ये बताइए, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। हाँ प्लीज। 18 सालों की सरकार में 22,400 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं, हर साल शिक्षा के लिए दिए जा रहा है, ना स्कूल दिखाई दे रहा, ना टीचर दिखाई दे रहे, समझ में नहीं आता ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। हमने 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल की व्यवस्था की थी, निश्चित तौर पर आज वो व्यवस्था चलती रहती तो शिक्षा के स्तर पर ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक, मैं रिएक्शन आपका चाह रहा था। सिसोदिया साहब प्लीज। जी जी, जो कुछ भी कहा गया, एक जैसे राम वन गमन पथ की बात बार बार कही जा रही है, वो ठीक है कि आप आंकड़े गिना रहे हैं कि हमने इतना एलोकेशन किया, इतना एलोकेशन किया। गौशालाओं को लेकर जो स्थितियां रही हैं वो आप लगातार जान रहे हैं, राम वन गमन पथ की कोई बात नहीं हो रही है वो भी आप जान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रोजगार। देखिए, सर्वहारा वर्ग के लिए आधे घंटे बाद लगाऊंगा टीवी डिबेट, सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी जनहितैषी बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तुत किया है। यह जो मध्य प्रदेश का बजट आया है 2024-25 के लिए,
ये आकार में 16% बड़ा आया है पिछली बार से और प्रति व्यक्ति आय भी 11 गुना बढ़ने का काम हुआ है। केंद्र सरकार से भी 3,800 करोड़ की अतिरिक्त राशि इसमें समायोजित हुई है, मिली हुई। अब अभी कह रहे हैं आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे हैं अभी हमने प्रावधान किया है चिकित्सा शिक्षा में, मेडिकल कॉलेज 2003 में जब हम सरकार में आए 5 मेडिकल कॉलेज होते थे मध्य प्रदेश में, वो बढ़ाकर 14 संचालित हो रहे हैं और अगले 2 वर्ष में 11 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और काम करने लगेंगे और इस प्रकार से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में 46,000 नई भर्ती का प्रावधान हम इस बजट में, ये प्रावधान है आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ है मंत्री के हवाले से, नई भर्ती सालाना रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 3,000 से 4,000 जॉब का सृजन हुआ है, बंपर गिरावट है उसमें 60% की गिरावट है सिसोदिया साहब, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले। देखिए 46,000 तो हम स्वास्थ्य क्षेत्र में, उसके अलावा मैं आगे आता हूं, मध्य प्रदेश पुलिस में गृह विभाग ने व्यवस्था करने का काम आज किया है कि 11,292 करोड़ का बजट प्रस्तावित कराए गृह विभाग के लिए और पुलिस आवास के लिए 3,76,000 करोड़ का प्रावधान किया है और मध्य प्रदेश पुलिस में 7,500 नई भर्ती, ये बात सही है, करने का इतने प्रावधान है आज वही तो किया। मिश्रा साहब वही तो बोल रहे हैं, इतने करोड़ों के प्रावधान है पर सड़कें बह जा रही हैं, मकान ढह जा रहे हैं, पुल ढह जा रहे हैं, तो वही तो सवाल खड़ा हो रहा है। तनुज दीक्षित हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तनुज जी का भी बहुत बहुत स्वागत। तनुज जी, लगातार चर्चा चल रही है और जो मध्य प्रदेश का बजट आया उसे लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, आपका एक क्विक रिएक्शन हो जाए फिर हम सिसोदिया साहब के पास चलेंगे। जी देखिए, इस बजट के अंदर जो विशेष चीजें हैं वो मुझे लगता है किसानों के संबंध में काफी अच्छा बजट दिया है। पशुपालन के क्षेत्र में 76% की बढ़ोतरी करी है, 76% का बजट पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ा है। साथ ही साथ गौशालाओं के लिए 250 करोड़ का अनुदान इस बजट के अंदर है, इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन में 150 करोड़ का है। तो अगर देखा जाए तो ये जो बजट है ये पूर्ण रूप से किसानों के हित में, जिस तरीके से अभी तक शिवराज सरकार के बजट पेश होते थे, प्रस्तुत होते थे और लगता था शिवराज सरकार ही किसानों के हित की मैं सोच रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहन सरकार का पहला बजट निश्चित रूप से किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, वित्त मंत्री तो सेम ही है हमारे, मेडिकल के क्षेत्र। तरुण जी, वित्त मंत्री तो सेम ही है हमारे, क्या है जो वित्त मंत्री है देवड़ा साहब, वो पहले भी बजट सरकार भले ही शिवराज सरकार हम कहते थे, जगदीश देवड़ा जी एक अनुभवी वित्त मंत्री हैं, चौथी बार बजट पेश कर रहे हैं, पहले भी शिवराज सरकार में ही बजट पेश कर चुके हैं। इसी वर्ष 2024 में फरवरी में एक अंतरिम बजट जो कि 1,65,000 करोड़ रुपए का था, वो भी 1,45,000 करोड़ रुपए का था मध्य प्रदेश शासन का, वो भी इस बार अभी प्रस्तुत हुआ था। और अंतरिम बजट के बाद आज जो बजट पेश हुआ है वो लगभग 3,65,000 करोड़ रुपए के ऊपर का बजट है। तो देखिए यही एक चीज है कि सरकार ने दिल खोल करके बजट के अंदर अनुदान दिया है। इसके अंदर विशेष जो हम देखें तो पीएम एम्बुलेंस, पीएम श्री एम्बुलेंस योजना, 0% पे किसानों को लोन की योजना, फसल बीमा में 2,000 करोड़ की योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में, क्योंकि काफी सारे लाभार्थी वंचित रह गए अभी भी, आयुष्मान कार्ड के अंदर जो है गतिविधियां तेज होगी। इसके अतिरिक्त जनजातियों के लिए भी 46,000 करोड़ का अलग से बजट दिया है, पशुपालन में 76% की बढ़ोतरी करी गई है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस को और बढ़ाना, शिक्षा को सुदृढ़ करना और एक इम्पॉर्टेंट मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी अलग से 30 करोड़ के बजट को पारित किया गया है इसके अंदर। जी चलिए चलिए चलिए, सिसोदिया साहब मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। दरअसल तनुज जी हमारे साथ जुड़ गए थे, उनका रिएक्शन भी हमने लिया और बात वही आती है कि अगर हम इतना भारी भरकम प्रावधान कर रहे हैं तो वो राशि सही जगह पर खर्च होनी चाहिए। एक बात हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने इतना सब कुछ किया, बच्चे शिक्षित भी हो गए, फिर उन बच्चों ने एमपीपीएससी भी दे दी, फिर बच्चों ने, जिन बच्चों ने एमपीपीएससी दी थी पता चला कि पेपर लीक जैसी स्थितियां बनी है, उसका निराकरण नहीं है, 5-5, 10-10 साल लीक के कोई निराकरण नहीं है, फिर यह बजट सही दिशा में कैसे खर्च होगा? सिसोदिया साहब देखिए, निश्चित तौर पर आप
जो है आप देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने उच्च शिक्षा में भी कई सारे नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, और वर्तमान में हम जो है इस बजट में हमने प्रावधान किया प्रत्येक जिले के अंदर जो सीएम जो पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज है उसकी स्थापना की जा रही है, प्रत्येक जिले में एक स्थापित होगा और 2000 नई भर्ती उसमें होने वाली है। उसके साथ साथ में सीएम राइस विद्यालय भी हमने मध्य प्रदेश के अंदर उसके लिए 667 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम किया है। खेल युवा कल्याण की भी अगर हम बात करें तो 586 करोड़ की हमने ये बात कही है। जनजातीय विकास के साथ साथ में अगर सड़कों के विकास की हम बात कहें तो 299 किलोमीटर के जो है अटल प्रगति पथ, 90 किलोमीटर का 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ, 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ, इनके कार्य प्रस्तावित होने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम हुआ है। वन पर्यावरण पर 4725 करोड़ रुपए का प्रस्ताव होने का काम हुआ है। पेयजल व्यवस्था के लिए 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। ठीक, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए भी लगभग 36850 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। जो लाडली लाडली बेटी जो है, लाडली भांजी जो है, इसका स्कूल ड्रॉपआउट बढ़ा है। सिसोदिया साहब, बच्ची स्कूल तक लाई कैसे जाएगी? अगर स्कूल तक लाई गई तो स्कूल में उसे क्या क्या ऐसा किया जाए कि वो पढ़ाई लिखाई करे, ड्रॉपआउट कम हो? सिसोदिया साहब, निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है उस बात की तरफ भी सरकार ने सख्त कदम उठाने का काम किया है। बजट में भी प्रावधान किया है कैसे ये ड्रॉपआउट कम हो और किस प्रकार से स्कूलों के प्रति और बच्चे आकर्षित हो, उस दिशा में भी सरकार ने अपने इस प्लान में लेने का काम किया है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 22 नए ITI खोलने का भी हमने इस बजट में प्रावधान किया है, जिसके तहत लगभग 5000 नए स्टूडेंट्स भर्ती हो सकेंगे। और मध्य प्रदेश में PM ई बस योजना के तहत भी लगभग 6 शहरों में 552 बसों का हमने जो है प्रावधान किया है। गोपालन के अलावा दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे बड़ा एक किसानों को अटल ज्योति योजना के अंतर्गत जो बिजली के बिल होते हैं उसमें अनुदान के लिए 11,065 करोड़ रुपए का अनुदान अटल कृषि योजना के तहत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण के योजना के तहत 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और हमारा कृषि पैक्स पर आधारित है, पैक्स जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है कॉपरेटिव की, ये किसानों के सहयोगी एक संस्था होती है, उसके कंप्यूटराइजेशन के लिए भी हमने 32 करोड़ का प्रावधान किया है। और अभी बता रहे थे तनुज जी कि मृदा परीक्षण के ऊपर और सॉइल संरक्षण के मृदा संरक्षण के ऊपर भी 30 करोड़ रुपए का प्रावधान करके पहली बार जो है इस प्रकार से उस मद में राशि रखने का काम हुआ है। पेयजल व्यवस्था के लिए और इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारा बढ़ा हुआ है, परंतु किस प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़े उस दिशा में भी हमने भारी उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु सूक्ष्म उद्योग, उन सब के लिए व्यवस्थाएं करने का काम किया है इस प्रावधान के अंदर, बजट में प्रावधान किया। और गेल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको एक प्राप्त हुआ है जो लगभग मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके साथ साथ चलिए एक काम कर लिया जाए, ठीक है सिसोदिया साहब, आपके पास मेरा ख्याल बजट की कॉपी, मैं रोक रहा हूं आपको। जितेंद्र मिश्रा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिसोदिया साहब मैं रोक रहा हूं, आएंगे आपके पास भी। जितेंद्र मिश्रा साहब, आपने तमाम चीजें सुनी, सारे आवंटन सुन लिए, आपका रिएक्शन, फिर एक सवाल रहेगा आज जो कुछ भी सदन में हुआ उसे लेकर। मिश्रा साहब, नहीं देखिए, सदन में बजट पेश किया गया, हमने सिर्फ एक बात उठाई कि ये जो लीकेज और ब्रेकेज आप क्या है उसको कैसे रोकेंगे, उस पर बात कर लीजिए, सरकार तैयार नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिखाया, 500 करोड़ की सड़कें, पुल, बैराज, पुलिया पहली बारिश में बह रही है। असल में जो 50% कमीशन का चश्मा आरोप आपके ऊपर है, जब तक उससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, जब तक विकास नहीं हो सकता, ये आंकड़ों की बाजी। देखिए, आपने कहा इन्वेस्टर समिट में पैसा दिया जा रहा है, इन्वेस्टर समिट कितनी करा चुके मध्य प्रदेश में, एक रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए आप। आपने सिंगल 500 करोड़ रुपए की बात की देने की,
आप ये बताइए, पिछले सिंगस्त में 1300 रुपए में मग्गा, 1800 रुपए में बाल्टी के आपने बिल लगाए थे, तो विकास होगा या आपकी जेबों में जाएगा? इसको सुधार करने की जरूरत है। कितना भी एलोकेशन कर दीजिए बजट में, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, नौकरशाहों के द्वारा सरकार अगर चलाई गई तो कहीं कोई विकास देखने में नहीं आएगा। हमने आपको बताया कि 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर पर हाई स्कूल व मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल की बात हमने की थी। अगर उस योजना को चलने से क्या होता है, तो निश्चित तौर पर आपने उसको मूर्त रूप दिया था। मेरे को तो मध्य प्रदेश में कहीं भी 1 किलोमीटर पर अब आप बताइए प्राइमरी स्कूल, अब आप बताइए पीएम आवास योजना के नाम पर आपने 400 करोड़ का एलोकेशन किया है। पीएम आवास की हकीकत जरा देख लीजिए जाकर के, नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर सीपेज की व्यवस्था नहीं है, कैसे करेंगे? ये बार बार आप जो गिना रहे हैं ना मिश्रा साहब, कहीं ना सिसोदिया जी कह रहे हैं उनको 1 किलोमीटर में कहीं कोई स्कूल नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखा। अब ये तो चीज आप देखिए, और कहीं एक अगर अब इनको तो आपके रिपोर्टर को सिसोदिया जी को बिजली कर्मी नहीं दिखेगा, बोलना बार बार सिसोदिया जी को शिक्षा कर्मी नहीं दिखेगा, जो मध्य प्रदेश की योजना के आधार पे बात देश में सबसे प्रमुख योजना कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा कर्मी के नाम पर अगर एक एक स्कूल में 50% शिक्षकों की तैनाती की थी, मध्य प्रदेश में इतना देखिए आप 163 क्यों मिल गई, अब एक पेड़ माँ के नाम मिल गई ललित जी, ये भी है एक पेड़ माँ के नाम, ये भी है, ये एक पेड़ कि हमारी नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो एलोकेशन किया गया है बजट का, वो करके आप बताइए जो बजट में लेके आए नर्मदा के किनारे कितने पेड़ लगाए थे, पार्टी पर एक भी पेड़ अगर आपको दिखाओ तो बताइए, पार्टी और नर्मदा के किनारे सारे पेड़ भ्रष्टाचार की भेंट चले, अरे जाके आपने देखा आसपास एक भी पेड़ आपको नर्मदा में मिला, कुछ पेड़ आपने होते हैं परंतु इसका मतलब नए मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है। देखिए इंदौर में एक एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चलाए, और अभी देखना आप नर्सिंग कॉलेज एक कमरे में चलाया जा सकता है क्या ललित जी? हम जो है ललित जी एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चलाओपण करने वाले, दो दो कमरे में नर्सिंग कॉलेज। ठीक ठीक, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। तनुज जी, मैं आपके पास कम वक्त के लिए आ पाया, उसके लिए माफी, और उसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर यह चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा शोर भी रहा, लेकिन ठीक है, बजट जैसी चीजों पर इस तरह की थोड़ी गहमा गहमी भी हो ही जाती है। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।